आ गई। केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल से हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए की मजबूत सहयोगी अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया जी, मिर्जापुर में हैं आप, मिर्जापुर तो ठीक है, आपके ऊपर पूर्वांचल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या लगता है पूर्वांचल की लड़ाई किस ओर जा रही है? एक ही ओर जा रही है, पूरे देश भर की हर सीट में लड़ाई, या कहिए तो कोई लड़ाई ही नहीं है। एनडीए एनडीए एनडीए, तीसरी बार एनडीए सरकार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री। देखिए, ये बात सच है कि पूर्वांचल बीजेपी की वो ज़मीन नहीं है जो बाकी देश के हिस्सों में होती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार लड़ाई बहुत आमने सामने की हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बतौर सहयोगी बहुत ज़्यादा, तो आपको लगता है कितनी सीट आप पूर्वांचल से निकाल लेंगे? 100%, एक एक सीट हम ही निकालेंगे। हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ में हैं, हमारे निषाद पार्टी, सुभाषपा, अपना दल तो है ही, और हम चारों पार्टियां इधर मिलके मजबूती के साथ पूर्वांचल की एक एक सीट जीतने जा रहे हैं। 4 जून को परिणाम आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये एक जाति समीकरण की जमीन है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको भी लगता है क्या कि जाति समीकरण का जो मकड़जाल है ये डेवलपमेंट फैक्टर पे भारी पड़ जाता है? ऐसा क्यों है, अगर है तो? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये भी एक फैक्टर है, और अलग अलग जातियों के लोग तो रहते ही हैं भारत में, तो जब से भारत है तब से अलग अलग जातियां हैं, लेकिन हर जाति हर समुदाय अल्टीमेटली क्या चाहता है? विकास चाहता है, आगे बढ़ने के अवसर चाहता है, एक उज्ज्वल भविष्य चाहता है। वो वातावरण, वो परिस्थितियाँ हमारी सरकार ने 10 साल के अंदर यहाँ पर पैदा की हैं। अच्छा, मिर्जापुर को आने वाले समय पे आप कैसे देखना चाह रही हैं? मतलब क्या सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्या क्या काम आपने किए हैं? बहुत सारे काम किए मैंने यहाँ पर 10 साल में। वैसे तो अपने कामों का खुद बखान नहीं करना चाहिए, यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते क्या क्या काम हुए? मैं तो बता ही दूंगी। यहाँ पर मैंने हर क्षेत्र में काम किया है, रेलवेज हो, हाईवेज हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर क्षेत्र में काम किया है। यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी हमें मिल गई, केंद्रीय विद्यालय सेटअप हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, मेडिकल कॉलेज आ गया, आयुष हॉस्पिटल आ गया, और हमारे मोबाइल मेडिकल वैन से लोगों का इलाज हो रहा है। करोड़ों रुपया मैंने भारत सरकार से लोगों को इलाज के लिए दिलाया। यहाँ पर मैं कॉमर्स की मंत्री हूँ, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर सेटअप हो गया, पासपोर्ट ऑफिस सेटअप हो गया, हाईवेज बन गए, बड़े बड़े पुल बन गए जो 11-11, 12-12 साल लटके थे, ऐसे कई बड़े बड़े पुल बन गए। अभी हमें लेटेस्ट 1709 करोड़ का गंगा नदी पर 6 लेन का पुल मिला है। सब कुछ हुआ है, और अमृत भारत स्टेशन योजना में हमारे प्रमुख 3 रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनने जा रहे हैं। तो मिर्जापुर को इन 10 सालों में सब कुछ मिला है। अच्छा, आज मैंने सुबह आपके प्रतिद्वंदी रमेश बिंद से बात की, जो अभी तक मतलब आपके साथी थे, अब आपके सामने खड़े। वो कहते हैं 5 किलोमीटर, मतलब उनका आरोप है कि कहीं मिर्जापुर में काम ही नहीं हुआ, 5 किलोमीटर के रेडियस में जाइए कहीं, मतलब ये उनका आरोप है, उस पर मैं एक प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, प्रतिद्वंदी हैं, अब वो मेरे कार्यों की सराहना कैसे कर सकते हैं? ये तो अस्वाभाविक एक्सपेक्टेशन है, ऐसा तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना चाहिए कि वो मेरे कार्यों की सराहना करेंगे। वो मन ही मन में जानते हैं, उनको मेडिकल कॉलेज नज़र आ रहा है, उनको केंद्रीय विद्यालय नज़र आ रहा है, उनको एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन नज़र आ रहा है, उनको यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुष हॉस्पिटल, हाईवे, सड़कें, रेलवे स्टेशंस, जो तमाम रेलवे ओवर ब्रिज हमारे बने, इंडियन ऑयल का टर्मिनल हमारे यहाँ बना, वो सब कुछ नज़र आ रहा है। बट वो मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे कहेंगे? ये स्वीकारोक्ति कैसे हो सकती है? ये तो राजनीति के मायने ही बदल देगी। अच्छा, इस बार 2 छोटे-छोटे सवाल कि रोजगार के मुद्दे को लेकर विपक्ष बहुत हर अपनी सभा में शोर मचा रहा है, चाहे वो दिल्ली से लेकर के मिर्जापुर तक, राहुल, अखिलेश, सब लोग। तो क्या ये आप लोगों को लगता है कि ये बड़ा मुद्दा उनके हाथ लगा है? किस तरीके से रोजगार को आप लोग देखते हैं, कि रोजगार बढ़ाने के क्या साधन आप लोगों ने, आपकी सरकार ने 10 साल? कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, कोई मुद्दा नहीं है। आप मेरी बात पे यकीन करिए, देश का 140 करोड़ मतदाता तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि मतदाता ने 10 साल में अपने जीवन में परिवर्तन रखा है। रोजगार के मैं आपको चंद उदाहरण दूंगी, ऐसी कोई सरकार मुझे बता दीजिए कि 1 साल के अंदर मिशन रिक्रूटमेंट चलाकर 10 लाख सरकारी नियुक्तियां दी हूं, हमारी सरकार ने दी। मैं आपको मेरे मंत्रालय का स्टार्टअप मिशन का उदाहरण देती हूँ। अभी हमने दिल्ली में मार्च के महीने में बहुत बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ किया था, आपने देखा होगा कि पूरे देश भर से लाखों युवा वहाँ पर आए थे। यानी इस देश के अंदर 2016 के पहले कुछ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, फिर हमारी सरकार आई, हमने स्टार्टअप संस्कृति को नर्चर किया। आज भारत दुनिया में US और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और इन स्टार्टअप्स के जरिए 14 लाख
जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे छोटे छोटे शहरों से निकलने वाले युवाओं ने क्रिएट की हैं। आज हम यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, हमारे युवा डेकाकॉर्न्स आने वाले समय में बनाने जा रहे हैं। और आप देखिए, मुद्रा योजना के ज़रिए हमने कितने सारे रोज़गार के अवसर दिए, प्लस बड़े पैमाने पर देश में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, अब देश में हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं। मुझे बताइए, क्या इससे रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं? हर क्लास को मिलते हैं, जो पढ़ा लिखा है, स्किल्ड है, जो अनस्किल्ड है, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। आप देखिए, हम आज देश दुनिया के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, इसमें किसी को तो रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। हम PLI स्कीम लेकर आए, 14 सेक्टर्स में प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम हमारी चल रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करने के लिए। क्या इसमें हमारे अपॉर्चुनिटीज़ रोज़गार के नहीं क्रिएट हो रहे हैं? तो ये अनावश्यक बातें हैं। देखिए, देश की जनता मन बना चुकी है, हमारे जो इंडी गठबंधन के साथी हैं अब वो पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें भी पता है 4 जून को क्या परिणाम आने जा रहे हैं। और ये चुनाव है, लोकतंत्र है, विपक्ष लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, लड़ना भी चाहिए, मजा आता है, लेकिन परिणाम तो सबको पता है। एक सवाल बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से इसका उत्तर आपको भी ठीक से देना चाहेंगी आप। संविधान बचाने का मुद्दा, संविधान खराब करने का मुद्दा, आरक्षण छीनने का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां इनको इसका लाभ मिलता है। क्या सच्चाई, आखिर क्यों विपक्ष इसको इतने बड़े स्तर पे इस बात को उठाता है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय? आप पहले, इससे पहले का भी चुनाव देख लीजिए। देखिए, जब विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाता है तो वो घूम फिर कर एक ऐसा सेंटिमेंटल मुद्दा खोज कर लाता है जिसपे एक अफवाह, एक दुष्प्रचार किया जा सके, कोई बेबुनियाद मुद्दा उठा लो। मुझे ये बताइए कि देश के संविधान को बचाने की बात करते हैं, आरक्षण को खत्म करने का सवाल उठाते हैं। अब मैं संविधान से प्रारंभ कर दूं, देश में जब इमरजेंसी लागू हुई थी तब क्या संविधान सुरक्षित था, संरक्षित था? और फिर आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, काका कालेलकर कमीशन, उसकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का इतिहास किसका है? मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने का इतिहास किसका है? तो और आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठाती है कि OBC के केवल 3 सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मुझे बताइए कि इन कमीशन्स की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर जो हमारे पिछड़े समाज के बच्चे हैं उनके IAS IPS की नौकरी में जाने का रास्ता किसने रोका? तो आप स्वयं, ये जो सवाल आप उठा रही है, सवाल तो जायज़ है, OBC के 3 ही सेक्रेटरीज क्यों हों, लेकिन ये सवाल आप गलत लोगों से उठा रहे हैं, ये सवाल आपको स्वयं से पूछना चाहिए। ये एक तरीके का दुष्प्रचार है जो चुनाव जीतने के हथकंडे के रूप में अपनाया जा रहा है, लेकिन इसके कोई मायने नहीं है। मोदी जी की सरकार ने, हमारी सरकार ने पिछड़ों के हक को सुरक्षित करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं और उनका जिक्र मैं कई बार कर चुकी हूँ। OBC आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम हमारी सरकार ने किया है और नीट में OBC आरक्षण लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये UPA सरकार के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, उनके पास भी अवसर था। इससे वो भ्रम नहीं पैदा कर रहे? आपको लगता है क्या भ्रम पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो भाई वो जनता के बीच में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई संविधान को खतरा है? वो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रही हूँ कि देश की जनता का इरादा पक्का है। तीसरी बात, इससे आप लोगों को कोई वो नहीं लगता कि वो भ्रम पैदा करेंगे तो पब्लिक गुमराह होगी? देखिए, पब्लिक अब बहुत जागरूक हो गई है। क्या कांग्रेस का UPA का इतिहास नहीं मालूम है आम जनमानस को? क्या पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को नहीं मालूम है कि हाँ, ये जो आयोग थे जो पिछड़ों को शैक्षणिक संस्थानों में या नौकरियों में आरक्षण देने के लिए बने थे, उनको कितने वर्षों तक टाला गया, उनको ठंडे बस्ते में डालकर रखने का काम किसने किया? ये सारा पिछड़ा समुदाय अब जागरूक हो चुका है, वो इन सब बातों से अवगत है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। बस एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जाति जनगणना नहीं होने देना चाहते और तमाम जो ये समाज है उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि अब आप इससे बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, तो जाति जनगणना की सच्चाई आप कैसे देखती हैं और कांग्रेस के इस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में थी, अगर वो कास्ट सेंसस के इतने बड़े समर्थक हैं तो उन्होंने देश में 5 दशक तक राज किया है, उन्होंने कास्ट सेंसस करा लेनी चाहिए थी। दूसरी बात, बिहार में जब जाति जनगणना हुई, कास्ट सेंसस हुई, तो नीतीश जी की सरकार ने कराई, भाजपा ने उसका समर्थन किया, विरोध किया क्या? मैं कांग्रेस पार्टी को पूछ रही हूँ। और नीतीश जी जिन्होंने कराई वो हमारे साथ हैं, भाजपा सरकार ने उसका समर्थन किया था। और तीसरी बात ये
कि उनके जो दूसरे साथी हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कितनी बार रही, आपके पास मौका था, अगर बिहार में कास्ट सेंसस हो सकती थी, आपने इस स्टेट को रूल किया है, आप भी कास्ट सेंसस करा सकते थे, आपने क्यों नहीं कराया। अब अंतिम बात यह है कि अभी तो सेंसस की तारीख तय ही नहीं है, सेंसस की तारीख तय होगी, सरकार क्या निर्णय लेती है आप देखिए। हमारी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो दबे कुचले वंचित वर्गों के हक में है, और मैं तो पूरी तरीके से आशान्वित हूँ कि ये काम अगर होना है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही होना है। इंडिया वाले कह रहे हैं 300 सीट उनकी आ रही है और बीजेपी 150 पर सिमट रही है, उनका बार बार बयान ऐसा आ रहा है। ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है, ऐसा तो कोई नहीं कहता, लेकिन जनता भी जानती है, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उनका वाकई में सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल, उनका दावा है कि जो दावे इंडिया गठबंधन की तरफ से हो रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, उनका सुपड़ा साफ होगा और एनडीए की सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज 24 मिर्जापुर।